हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस, दिस इज ब्यूमकेश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 7 इंग्लिश के सप्लीमेंटरी रीडर बुक के चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द टीनी टीचर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम बताता है कि यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही छोटे टीचर के बारे में। तो क्या ये टीचर इंसान है या फिर बहुत छोटा कोई अलग कोई एनिमल है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले बता देता हूं कि कोई इंसान नहीं है। कैसे हम चींटियों से इस चैप्टर में क्या क्या सीख मिलता है, उनका लाइफ कैसे हमसे भी बेहतर हो रहा है, इसके बारे में मेंशन किया है। आपने सही सुना है, चींटी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, द टाइनी टीचर। क्या नाम है, द टाइनी टीचर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। यहां पे बोला गया है कि आप अपने लाइफ में जो भी सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और सबसे चला जो भी इंसेक्ट को जानते हैं उसका नाम लिखिए, बोला गया है। और यहां पे बोला गया है कि आपको लगता है वो मक्खी है या फिर आपको लगता है कि वो एक मच्छर है, क्या हो सकता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और यहां पे बोल सकते हैं क्या वो कोई अलग प्रकार का कीड़ा है या फिर और कोई है। तो हम वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि वो टाइनी टीचर ना कोई कीड़ा है, ना कोई मक्खी है और ना ही कोई इंसेक्ट है, वो क्या है, वो एक आंट है। क्या है, आंट। आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ पे बोला गया है कि जो एक आंट है वो सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान सबसे चालाक इंसेक्ट है। आपने कभी आंट के लाइफ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। तो आपको ये सच जैसा नहीं लग रहा होगा। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। तो यहां पे बोला गया है कि आपको भले ही ये सच ना लगे पर बहुत से लोगों ने आंट को एज ए पेट उनके पालतू जानवर की तरह रखा है, उसके डेली बिहेवियर को नोटिस किया है और उससे उन्हें जो जो पता चला है वही इसमें मेंशन है। ए आंट यूजेस इट्स फिलर और एंटीना टू टॉक टू ईच अदर। तो यहां पे जो एंटीना क्या होता है, ये वाले पोर्शन को एंटीना बोला जाता है। चलो दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये जो सामने का जो पोर्शन है, दो जो निकला हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीना या फिर फिलर। और इसके थ्रू ही चींटियां बात करते हैं एक दूसरे से। और तुमने देखा होगा जब एक दो चींटी ओपोजिट साइड से गुजर रहे होते हैं तो वो अपना एंटीना थोड़ा एक दूसरे से टच करा देते हैं ताकि वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं कि हम जैसे करते हैं नमस्कार हो गया, आदाब हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग, ये सब क्या है, हमारा एक सैल्यूटेशन है। तो वही सब ये लोग कैसे ग्रीट करते हैं, वो एंटीना को टच करके एक दूसरे का मैसेज पास करते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग ऑफ और डाउन द वॉल, या तो वो ऊपर या दीवार से नीचे जा रहे हो। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। एक चींटी दूसरे चींटी को ग्रीट करता है जैसे मैंने बताया, बाय टॉचिंग देयर फिलर, कैसे, उनके एंटीना या फिर फिलर को टॉच करके। समझ गए। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम देखने वाले हैं कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ आंट्स। तो बहुत से तरह के आंट्स होते हैं। क्या होते हैं, आंट्स होते हैं, पर द कॉमन जो कॉमन सबसे होता है जो ज्यादातर दिखाई पड़ता है वो कौन से आंट्स है, वो है काली चींटियां, आर द ब्लैक एंड द रेड वंस। तो जो काली चींटियां होते हैं और जो लाल चींटियां होते हैं वही कॉमन होते हैं। और ये आपने जरूर देखा, अगर आपने चींटी देखा है तो ऑब्वियसली देखा होगा चींटी, नहीं है तो कोई मिठाई का टुकड़ा थोड़ा खा के गिरा दो, आ जाएंगे चींटी, पता चल जाएगा। We have seen them since we were children. हमने बचपन से उसे देखा है, but have not paid enough attention to it. तो हमने उसे बचपन से देखा है पर उतना गौर से हमने नहीं देखा कि where do they live. मैं देखता था यार, मैं एक बार बहुत से चींटियों के झुंड को पीछा करते करते चला गया वो एक सुरंग में। बहुत बच्चे नोट भी करते हैं, बुक में दिया है कि बहुत लोग नोट नहीं करते हैं पर कुछ बच्चे करते हैं, मैंने तो किया था अपने बचपन में। व्हाट डू दे लिव, वो कहां पे रहते हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट। तो वो कहां पे रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं और उनके घर का नाम क्या है, नेस्ट, NESTS, ये नाम याद करो। और आंट हिल्स, उसको आंट हिल्स भी कहा जाता है। Each has hundred of little rooms. तो एक आंट हिल में 100 मतलब 100, 200, 300, hundreds of मतलब बहुत सारे सो
रूम्स होते हैं एंड पैसेजेस, तो बहुत सारे पैसेजेस भी होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन डांट ले एग्स, तो कुछ रूम में उनका जो क्वीन होती है, जो रानी चींटी होती है, वो क्या करती है, अंडा देती है, अंडा देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर यंग वंस, और बहुत से जो दूसरे बच गए वो क्या है, यंग वंस के नर्सरी है, और यंग वंस के नर्सरी को क्या कहा गया है, ग्रुप्स। ये सारे नाम याद करते चलो, इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन अगर कुछ आ गया तो ये पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। नेम द फॉलोइंग, व्हाट आर द नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड फ्रॉम द चैप्टर द टीनी टीचर, तो क्या लिखोगी, ग्रुप्स लिखोगी। तो ये सब याद करते चलो। वर्कर्स हैव देयर ओन रिजर्व क्वार्टर, तो जो वर्कर्स होते हैं उनका भी अलग ही रूम होता है। ये देखो ये होता है एक आंट हिल्स, यहाँ पे कितने सारे रूम है देख सकते हो, एक दो तीन, ये छोटे छोटे करके, यहाँ पे ये छोटा छोटा वाला देखो, ये कुछ जगह पे इन्होंने बोरिया टाइप का कुछ स्टोर किया रखा है, तो बहुत बड़ा होता है। चींटी के साइज को कंपेयर करो हमारे साइज के, उनका वो छोटा सा आंटी भी उनके लिए बहुत बड़ा है। उनके रिजर्व क्वार्टर रहते हैं, कौन जो काम करते हैं वर्कर्स लोग हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, तो हम जो बाहर देखते हैं ज्यादातर चींटियां जो घूमते फिरते रहते हैं खाने के तलाश में, वो क्या है, वर्कर्स आंट है, पता चल गया। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड, तो कुछ में वो अपना खाना स्टोर करते हैं, जैसे मैंने ये दिखाया, देखो ये जो जगह है ये है स्टोर हाउस, क्या है, स्टोर हाउस, और यहाँ पे ये अपना खाना स्टोर कर रहे हैं। और जो कुछ घर बच गया, सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, तो जैसे हमारे यहाँ भी सोल्जर्स लोग बॉर्डर पे रहते हैं टेंट पे या फिर अपना कैंप लगा के, वैसे इनके भी सोल्जर्स के लिए बैरक्स होता है, वो भी सेपरेट। नाउ वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर हाउस, नो वर्कर, मतलब कोई भी वर्कर ने कभी ट्राई नहीं किया होगा किसी भी सोल्जर के घर में रहने का, मतलब जिसका रूम उसी को साझी, दूसरा कोई नहीं घुसता दूसरे के रूम में या फिर रहने के लिए नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म ए ग्रुप, तो ज्यादातर जो वर्कर होते हैं और सोल्जर और क्लीनर है, उन्होंने कोई भी ग्रुप, कौन थे वो जो अंडे में से निकले हुए बच्चे थे, जो नए छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कोई भी थोड़ा सा भी हार्म नहीं पहुंचाता। So you see, a ant's life is very peaceful. तो इससे पता चल रहा है कि जो चींटियों का लाइफ है वो बहुत शांतिपूर्ण है, क्योंकि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। जबकि इंसानी लाइफ में अगर आप न्यूज खोल के देखते हो तो आज वो मर्डर हो गया, कल सुइसाइड हो गया, इसने की उसकी जान ले ली पैसों के लिए, उसने किया मर्डर, मतलब ऐसे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जबकि इनकी लाइफ बहुत ही शांतिपूर्ण है। Each does its share of work. जो जिसका काम जो होता है वो अपने शेयर का काम करते हैं, इंटेलिजेंटली मतलब स्मार्टली, इंटेलिजेंटली बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और ब्रेवली निर्भय होकर, मतलब कोई भी डर नहीं होता उनको काम करने का, वो निर्भीक होकर अपना काम पूरा करते हैं ब्रेवली, एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप, और कभी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो कि इंसानों के लाइफ में कॉमन हो गया है आजकल, इसीलिए कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए, बहुत सारे स्पेशली जो मिडिल क्लास पुअर फैमिली, यहाँ पे ज्यादातर झगड़ा चलता है, रिच फैमिली में भी चलता है इंसानों में, पर वो ज्यादा पता नहीं चलता, पर हमारे यहाँ जितने भी झगड़े हैं उससे कुछ यहाँ पे झगड़े ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका लाइफ को अच्छा बोला गया है, किसके द्वारा, ये ऑथर के द्वारा, नाम क्या है नहीं लिखा है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, पर उनको कुछ बाइट्स देते हैं, कुछ खा मतलब थोड़ा काट देते हैं आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, तो वेडिंग फ्लाइट क्या होता है, क्या यहाँ पे एक फ्लाइट में एरोप्लेन में टिकट काट के कोई फ्लाइट में जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, तो ये फ्लाइट कब होता है, एक बहुत ही गर्म के महीने में होता है, एक दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, तो वो जो क्वीन थी, वो जो रानी थी जो बस अंडा दे रही थी, वो अपना घर छोड़ के, वो उसको छोड़ के गोस आउट टू मेट ए मेल आंट, तो क्योंकि उसको बच्चा पैदा करना होता है, तो जैसे माँ के साथ पापा की भी जरूरत होती है, वैसे इसको भी एक मेल आंट की जरूरत थी, तो वो घूमने जाती है, मेल आंट से मिलने जाती है, और ड्रोन, मेल आंट को ड्रोन भी कहा गया है, हाई ऑफ इन द एयर, वो हवा में बहुत ऊपर मिलते हैं। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो अर्थ में लौटती है, इट गेट रीड ऑफ इट्स विंग, तो तुमने देखा होगा कभी कभार चींटी के विंग्स होते हैं पर मैक्सिमम टाइम नहीं होते हैं, तो आफ्टर दैट क्या होता है, वो उस अपने विंग्स को हरा देती है, खो बैठती है, एंड देन डच नथिंग, और उसके बाद कुछ नहीं करती है बल्कि बस अंडे देती है, और फिर समर सीजन में फिर किसी से मिलने जाएगी, फिर आके अंडे देगी बस। एग्स हैच एंड ग्रुप्स कम आउट, तो क्या होते हैं, वो जो अंडे देती है वो अंडा कुछ समय बाद फटता है और उसमें से ग्रुप्स आते हैं, जो यंग आंट है। सोल्जर्स गार्ड देम,
जो सोल्जर थे उनको सुरक्षा देती हैं, उनको गार्ड प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन, वर्कर्स फेड एंड क्लीन देम, तो जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ रखते हैं, नहाते हैं, उनके कमरे को साफ रखते हैं, ये सब काम करते हैं, एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उनको हवा खिलाने के लिए भी थोड़ा बहुत लिया जाता है, जैसे चलो हवा खाने चलते हैं, मतलब क्या थोड़ा बाहर एटमोस्फियर में घुमाने के लिए, एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए, वो भी बाहर ले जाते हैं वर्कर लोग। टू और थ्री वीक्स लेटर ग्रुप्स बिकम कुकून्स, तो वो जो ग्रुप्स थे वो क्या बन जाते हैं, कुकून्स बन जाते हैं, एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स मोर, तो और तीन हफ्ते के लिए, पहले तीन हफ्ते क्या ग्रुप्स बन के घूमे फिरे, एक्सरसाइज किए, सनलाइट खाए, फिर मजे किए जो बचपन का मजा होता है, और फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, कुकून्स बन जाते हैं, और फिर नेक्स्ट तीन हफ्तों के लिए ना ये कुछ खाते हैं, ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, ना हिल विल पाते हैं, और तीन वीक के लिए देन द कुकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट सिपियर, तब ये कुकून क्या होता है, टूट जाता है जैसे अंडा टूटता है वैसे, और फिर क्या निकलता है, एक परफेक्ट जो चींटी होता है वो निकलता है जो हम देखते हैं अपने लाइफ में। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो जब ये एक परफेक्ट आंट बन गया तो जैसे वो वर्कर्स का काम है, सोल्जर का काम है, इनको भी ये काम सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक दिन बूढ़े होकर मरने वाले हैं, तो ये किसका टाइम है, टीचिंग मतलब सीखने का और ट्रेन करने का, अच्छा ट्रेन होने का टाइम है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, तो जो नए चींटियां होती हैं वो अपने पुरानी चींटियां जिन सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं और उनसे सारा काम सीखते हैं, बोल सकती हूं। लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, जो वर्कर बनना चाहिए वर्कर, सोल्जर सोल्जर, बिल्डर्स बनना चाहिए वो बिल्डर से सीखेगा, क्लीनर्स क्लीनर से, तो सबका काम अलग अलग होता है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, तो कुछ ट्रेनिंग के समय के बाद वो भी तैयार हो जाते हैं किसके लिए, काम के लिए, कहा इस पूरे बहुत बड़ी दुनिया में वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एन आंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स, तो ये आंट हिल बस कोई आंट्स का घर नहीं है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, आंट के अलावा भी, चींटी के अलावा भी वहां पे बीटल्स रहते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, कुछ अलग प्रकार के आंट्स रहते हैं, ग्रीन फ्लाई रहते हैं। Why do ants want this alien creature to live in their nest? क्या हम किसी अपने से पूरा अलग जो हमारा पेट भी ना हो, बिना फायदा पहुंचाए किसी को रखते हैं घर में, हाँ बिना फायदा रिश्तेदार है अलग बात है, बट किसी स्ट्रेंजर को, किसी अनजान व्यक्ति को रखते हैं बिना फायदे के, नहीं रखते, तो ये आंट क्यों रखता है, तो चलो देखते हैं, ये भी नहीं रखता है बिना फायदे के, फायदा क्या लेता है देखते हैं। फॉर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं, सम गिव अप स्मेल, कुछ उनको अच्छा खुशबू देते हैं, प्लीजेंट टू आंट सेंसेस, जो उनको अच्छा लगता है सूंघने में, अदर गिव स्वीट जूसेस, कोई उनको स्वीट जूस देता है, एंड सम आर जस्ट पेट्स एंड प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स, हम जैसे बहुत से लोग बिल्ली या फिर कुत्ता रखते हैं, बस गार्ड पर्पस से नहीं रखते हैं, बहुत से पर्पस होते हैं उनके साथ खेलना घूमना मस्ती करना, तो आंट्स भी कुछ क्रिएचर को इसलिए रहने देते हैं ताकि वो उनके साथ घूम फिर के मस्ती कर सके। द ग्रीन फ्लाई इज आंट्स काउ, जैसे हमारे पास गाय होता है जो हमें दूध देता है, वैसे इनका गाय कौन है, ग्रीन फ्लाई है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनीड्यू, तो इनको मिल्क जैसा ही, इनका क्या बोलते हैं इसको, हनीड्यू बोलते हैं, एक तुम्हारे इंग्लिश बुक का भी नाम है क्लास 8 का, तो हनी ड्यू क्या उनको मिलता है, जो कि उनके लिए मिल्क टाइप का होता है, विद अ टॉस ऑफ देयर एंटीना, एक एंटीना को टॉच करके वो इसको निकालते हैं, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे एक किसान ऐसे ऐसे खींच के एक दूध निकालता है गाय में से, वैसे ही वो काम चींटियां भी करते हैं, किससे निकालते हैं, ग्रीन फ्लाई से। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स, क्या आपको लगता है कि ह्यूमन ने भी उतना सीखा है जितना इन चींटियों को पता है, परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, शायद सीखा भी होगा तो भी उन्होंने अपने शिक्षा को अच्छे लाइन में नहीं यूज किया है, आज लड़ाई कल झगड़ा, किसी ने कोरोना बना दिया, फिर वर्ल्ड वॉर, तो इसको बता रहे हैं कि हमारा जो ये लड़ाई झगड़ा है ये लाइफ से अक्सर लोगों को ज्यादातर किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी का फायदा नहीं होता, अगर युद्ध हो जाए जो हारेगा उसको बस नुकसान नहीं होता, जो युद्ध करता है दोनों देशों का नुकसान होता है, उनके सिटीजन्स बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हैं। वैसे ही बात की गई है कि हमने अच्छे काम में कुछ यूज किया ही नहीं है, हम क्या बनाएंगे, बॉम्ब बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे, वो कोरोना बन गया जैसे, किसने बनाया छोड़ो उसको, फिर मैं उखाड़ना नहीं चाहूंगा, क्या होगा कुछ होगा छोड़ो, वो जब होगा पता चल जाएगा। Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. उनको अभी भी इस जो छोटे छोटे टीचर हैं, ये tiny teacher से, tiny teacher से कुछ सीखना चाहिए, क्या hard work, क्या बहुत सारा काम करना,
सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, क्लीनलीनेस सफाई सीखना चाहिए, केयर फॉर यंग वंस, यंग वंस के लिए केयर। आजकल क्या बहुत छोटे छोटे बच्चों की भी जान ले जा रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है यार, बहुत छोटे बच्चे का किडनी निकाल दिया जा रहा है। तो यंग वन को भी क्या हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, उनको केयर करना चाहिए। रेस्पेक्ट अलग बात है, मीन्स आई एम नॉट कि उसको सर बोल के बुलाओ, रेस्पेक्ट मतलब उसकी भी वैल्यू की कदर करनी चाहिए, ये बोला गया है। उनका जो इमोशन है उसका भी कदर करना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ उनको डांट मार के भगा देना नहीं चाहिए। एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड फॉर दे लीव, और वो जो लैंड में रह रही है उसको भी एक लॉयल्टी, मतलब उसके साथ भी कोई धोखेधाड़ी नहीं करनी चाहिए। आंट्स लोग क्या देती है, मतलब हम जैसे लैंड को खराब करते चले जा रहे हैं, अपने लिए पेड़ काटते जा रहे हैं आंट के वजह से, ये नुकसान नहीं होता किसको, लैंड को जहां पे वो रहते हैं। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर होता है एंड, तो मैं लूंगा तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा कि क्लास 6 टू क्लास 10 के सारे टोटल सिलेबस, लेक्चर वीडियोस अलोंग विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन और जो भी चाहिए होता है नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, और सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ साइंस और इंग्लिश के जगास क्लासेस चैनल पे अवेलेबल हो जाते हैं। नहीं होता तो मैं करा देता हूं, कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे चीजों को मैं फ्री में देने की कोशिश करता हूं बस तुम्हारे लिए, ताकि तुम पढ़ सको। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।